Had a feeling we had something. Could have seen it. सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सभी बढ़िया होंगे। जो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अभी सुबह के बज चुके हैं 8, तो वीडियो मैंने सुबह एडिट करी आज, तो अभी एडिट करके लगा दिया अपलोड में, फ्रेश हो गया हूँ मैं, तो अभी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। सो गाइज, ब्रेकफास्ट में नवल भाई बढ़िया से सजा के ला के रहे हैं और वहाँ पर खा भी रहे नवल भाई। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखने का प्लान रहता है। एक बार हम लोग को आज मार्केट जाना है, तो हमें थोड़ा पप्पी के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आना है खाने के लिए, तो एक ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी टाइम हो रखा है, 10 बज चुके हैं, तो एक बार हम लोग जाते हैं पेट शॉप में, थोड़ा खाना वगैरह लेकर आना है और जो एसेसरीज है जो मिलती है देखते हैं, तो चलते हैं एक बार। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। सो अभी गाइस, दिन के बज रहे हैं 2, तो अपना आ चुका है अपना लंच, उसको जल्दी ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हम लोग लेकर आए थे जो पेट शॉप से सामान वगैरह इतना कुछ है, या आपको पिथौरागढ़ जाके हम लोग अनबॉक्स करके दिखा देंगे क्या क्या चीज़ें करके, तो काफ़ी ज़्यादा लूट चुका हूँ मैं। तो अभी अपना करते हैं अपना लंच, उसके बाद मिलते हैं। अगर शाम को हम लोग को एक और बार जाना है मार्केट में, कुछ लेकर आना है, तो चलेंगे शाम को। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग करते हैं अपना डिनर। और मैंने झूठ कह रहा है, 9:30 हो चुके हैं, 9:30 जो भी है। तो अपना सामान वगैरह पैक कर लिया मैंने, क्योंकि हमारी रात की है 12 बजे की, बस आपने सही सुना, रात को 12 बजे की गाइस। सो अपना कर लेते हैं अभी अपना डिनर, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अपना डिनर आ चुका है और डिनर में बढ़िया बन रखे हैं दाल रोटी सब्जी, तो ख़त्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, अभी टाइम हो गया 10:30, तो अभी हम लोग छेड़ लें थोड़ा बहुत फ़ोन ऊपर नीचे स्वाइप करके, थोड़े शॉर्ट्स वगैरह देखे, शॉर्ट्स वगैरह देखने जा रहे हैं, और वो हैं हमारे नवल गुरानी जी। हेलो गाइस। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे आपको गुरानी जी। क्यों? सो गाइस, आप इसकी मतलब फेक हंसी को इग्नोर करना, ये हंसता काफ़ी ज़ोर से हैं, ज़ोरों शोरों से। ए बॉय। हाँ। 1 घंटे बाद हम लोग को निकलना है यहाँ पे को स्टेशन के लिए, देखते हैं कैसा रहता है पहाड़ों में सफ़र करना रात को। ऐसे पहले भी कर रखा है मैंने, काफ़ी सही रहता है, रात को सोते सोते जाएंगे, दिन में धूप रहती है, गर्मी रहती है गाइस। सो गाइस, अभी 11 बज चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ, ये डाल रखा है मैंने फुल, क्या पता गाड़ी में ठंडा हो, पता नहीं, मतलब होगा ठंडा, मेरे को मालूम है पहाड़ों की, यहाँ तो गर्मी हो रही है, जैसे वहाँ पहुँच गए काठगोदाम से ऊपर, उधर ठंडा है पूरा, तो यहाँ रो चुका हूँ और ये पीछे नंगे पुंगे थोड़ा, तो चलते हैं गाइस। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से, दिन में रेस्ट करा था और अभी बज चुके हैं 4:00, तो एक बार लेके जाते हैं हम लोग पप्पी को ऊपर पे, आज नाम भी रखने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है करके। तो अभी चलते हैं, एक बार डीवॉर्मिंग करवाते हैं, थोड़ा एक बार बाहर भी ले जाते हैं। सो गाइस, हम लोग इसी पहाड़ पे आए हैं दोबारा, चढ़ते हैं ऊपर पे को, तो हमारे एक साथ वाले के पास भी है डॉग, हस्की है, तो उससे थोड़ा मैं लेकर आया था डीवॉर्मिंग की दवाई, तो किस लेवल में देनी, किस मात्रा में देनी वो दे देगा, तो चलते हैं ऊपर को। सो अभी हम लोग पहाड़ी के ऊपर ही रुके हैं गाइस, और करा दी है हम लोगों ने पप्पी को अभी डीवॉर्मिंग, देखते हैं किस टाइम पे को करता है वो अपनी पूप निकालता है, तो बाकी के उधर को जा रहे हैं, तो इसके हम लोगों को करानी है वैक्सीनेशन, करानी है वो है हमारा मंडे को, आने वाले मंडे को तब कराएंगे, 2 वैक्सीनेशन पड़ेंगी, तो हमें जो ब्रीडर है वो तो करवा के देते हैं, पर उनकी गारंटी नहीं होती, उन्होंने कराई नहीं कराई तो हमें दोबारा करवानी पड़ती है। तो मैं इस आज का ये टॉपिक रखना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तो मेरे को गेस करके बताओ यार, क्या नाम रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, मैंने भी सोचा है, वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, तो आपके थोड़ा रिव्यू वगैरह देखना चाहता हूँ कि मतलब क्या किस टाइप का नाम देना चाहते हो करके। No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you? Oh, hello, camera. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. I am Sunny. क्या सोच रहा था ये? क्या क्या देख रहा है इसने कैमरा से? तो आज पहली बार इसने बिना कैमरा से आए हुए देखा इसको भी ने। और ये हमारा
खेल रहा है अभी तो ये स्कूबी आजा फाइनली पहुंच चुके हैं हल्द्वानी मुजफ्फरनगर से सीधा पिथौरागढ़। तो हम लोगों को काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा सफर करा, थोड़ा बहुत दिक्कतें आई, पर मेरा मेन एम था कि वो पपी जैसे तैसे पिथौरागढ़ पहुंच जाए, क्योंकि वो है ब्रीड साइबेरियन हस्की जिसको गर्मी में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो पिथौरागढ़ में जैसे तैसे मैं पहुंचाना चाहता था उसको गर्मी नहीं लगे करके, तो हम लोगों ने रात की बस ली थी ताकि ठंडा लगे करके उसको। पपी तो पहुंच चुका है, तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि मतलब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं पप्पी आपको कैसा लगा करके, तो अपनी राय और थोड़ा बहुत अपना जो आपकी पर्सनल या फेवरेट नेम वगैरह है आपके, आपको पसंद आप रखना चाहते हो, अपना व्यूज़ वगैरह देना आप कमेंट सेक्शन में, बताना कि क्या रखना चाहिए करके नेम। मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचो, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को क्या नाम रखना चाहिए, एक बार जल्दी से गेस करो और जल्दी से बता दो यार क्या नाम रखना चाहिए करके कमेंट सेक्शन में, तो अगले हम लोग वीडियो में उसका नाम रखेंगे। तो ये हम लोग करते हैं अपना डिनर, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो अपना डिनर आ चुका है गाइस। डिनर में बढ़िया गोभी की सब्जी बन रही है और इसमें है अंगूर और पराठे, मतलब पराठे नहीं रोटी, पराठे कह रहा हूँ। तो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड। होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताना, और जो चैनल पर नए हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है यार, दबाओ उसको। क्या देखते हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी जल्दी दबाओ उसको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।